हिंदू समाज और धार्मिक स्थलों पर जिहादी संगठनों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग के नाम पर देश के ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों, गोरक्षकों, राम भक्तों, राष्ट्रवादियों को हिंदू विरोधी देशद्रोही गतिविधियों में अलगाववादी मानसिकता के संगठन बदनाम कर रहे हैं। जिहादियों के द्वारा हिंदू मासूम बालिकाओं के साथ दिरंदगी को अंजाम दिया जा रहा है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद यह बर्दाश्त नहीं करेगा। बजरंग दल विहिप कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष श्री शर्मा के नेतृत्व में टाउन हॉल परिसर से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट भवन तक विरोधी रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर रवि वर्मा को दिया। जिलाध्यक्ष शर्मा ने ज्ञापन का वाचन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादियों को बदनाम करने के लिए देश भर में षड्यंत्र किया जा रहा है। जिहादियों की बढ़ती दिरिंदगी विश्व में भारत को शर्मसार कर रही है। हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है। जिहादियों के कारण हिंदू पलायन को मजबूर हो रहा है। कश्मीर में अलगाववाद की बात की जा रही है। केरल, बंगाल, कर्नाटक में हिंदुओं पर आक्रमण किया जा रहा है। दिल्ली चांदनी चौक क्षेत्र में मंदिर के साथ हिंदू परिवारों के घरों को तोड़ दिया गया। श्री शर्मा ने कहा कि चोरों, गोहत्यारों और गोतस्करों और पेशेवर हमलावरों को बचाने के लिए योजनाबद्ध हिंदू आस्था केंद्रों को निशाना बनाया जा रहा है। देश की सांस्कृतिक आजादी के बीच मंत्र युवा शक्ति में जोश भरने वाले जय श्री राम के जय घोष को बदनाम करने का प्रयास जिहादियों के द्वारा किया जा रहा है। कथित सेक्युलर बिरादरी इसको हवा देने में लगी हुई है। विहिप जिलाध्यक्ष श्री शर्मा ने राष्ट्रपति से देश विरोधी राजक जिहादी संगठनों पर अंकुश लगाकर राष्ट्र मूल्य और हिंदू समाज की रक्षा करने की मांग की है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जो ज्ञापन दिया जा रहा है संपूर्ण भारतवर्ष में दिया जा रहा है। आज ही के दिनांक को पूरे भारतवर्ष में ज्ञापन दिया जा रहा है बजरंग दल द्वारा, जो वर्तमान परिस्थितियों में कुछ अल्पसंख्यक अपने आप को अल्पसंख्यक बताकर सहानुभूति का जो पात्र बने हुए हैं उनके द्वारा जो हिंदू समाज के साथ, धर्म के साथ, हमारी बहन बेटों के साथ और गौ माता के साथ जो अत्याचार दिन प्रतिदिन करे जा रहे हैं और उसको भी दूसरे तरीके से परोसा जा रहा है सहानुभूति ग्रुप में, इसके लेकर आज जो हिंदू समाज आक्रोशित है पूरे भारतवर्ष में उसको लेकर बजरंग दल आज मैदान में है और बजरंग दल के माध्यम से सभी ये हिंदू धर्म के प्रति राष्ट्र के विरोध में जो शख्सियत खड़ी होने का प्रयास कर रही है उनको हम बजरंग दल के माध्यम से चेतावनी देते हैं कि भविष्य में अगर उन्होंने अपने रवैये को नहीं बदला तो हो सकता है कि भारत से उनको पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। इसलिए सभी से आग्रह, शांतिपूर्वक ये भारत हमारा देश है, इसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, शांतिपूर्वक रहे और अगर किसी प्रकार की ऊंच नीच करने का प्रयास करा राष्ट्र धर्म के साथ, माता के साथ, बहन बेटियों के साथ, तो उसका परिणाम भुगतने को तैयार रहे।